सूरह मुबारक यूनुस है, आयत का निशान 35 है। अल्लाह अपने इस कलाम में अपने हबीब से फरमा रहा है कि तुम जरा मुशरिकों से पूछो कि क्या उनके माबूदों में ये सलाहियत है कि वो अपने मुरीदों को हक की हिदायत कर सकें। قل الله يهدي للحق, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि अल्लाह ही है जो हक की तरफ हिदायत अता करता है। अफमन यहदी للحق احق ان يهتدى امن لا يهدي الا ان يهدى। पैरवी और इताअत के लिए वो हकदार है कि जो हक तक पहुंच चुका है, या वो जो अभी खुद मोहताज हक है। फमाना तुम कैफा तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। अल्लाह साहिबा ने अक्ल की अक्ल को बेदार कर रहा है। इस आय करीमा का मतलब और पैगाम यह है कि जितनी अक्ल परवरिश पाएगी इतना हक समझ में आएगा। यानी क्या करें कि हक समझ में आए, क्या करें कि हक तक पहुंचा जाए, क्या करें कि हक की मारिफत हो जाए। हक की मारिफत हासिल करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है अक्ल की परवरिश। अक्ल को बढ़ने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, बेहतर होने दीजिए, अक्ल को परवरिश पाने दीजिए। जितनी अक्ल परवरिश पाएगी इतना ही हक समझ में आएगा। ये तो आयत का तर्जुमा और मतलब है जो मैंने आपके सामने बयान किया। हक उसे समझ में आएगा जिसकी अक्ल काम करेगी। मैं लफ्जों को बेहतर कर रहा हूं, मतलब को रोशन कर रहा हूं। हक क्या है? हक वही है जिसके लिए नबी ने फरमाया अल हक मा अली व अली व मा अल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अच्छा, यहां हदीस मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली। या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा है। नबी ने फरमाया हक अली के साथ, अली हक के साथ। या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा है। आप हक के अदद निकाले तो 9 बनते हैं, और फातिमा के अदद निकाले तो 9 बनते हैं। सैयदा अली के साथ है, अली सैयदा के साथ है, और अली क्योंकि सैयदा के शौहर हैं तो अली आगे चलेंगे, सैयदा पीछे चलेंगे। या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा है। तो अब तय यह हुआ कि हक तक पहुंचना है, हकीकत तक पहुंचना है। मोहतरम मजमा मेरे साथ तवज्जो के साथ बैठा हुआ है, हम सब खूबियों की तलाश में, हम सब फजाइल की तलाश में, हम सब कमालात को ढूंढ रहे होते हैं, हम सब हुस्न और जमाल की तरफ हैं। किसी के नजदीक कमाल इल्म है तो वह अहले इल्म से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल शोहरत है तो वह मशाहिर से ताल्लुकात बनाता है, किसी के नजदीक कमाल सखावत है तो वो सखियों से ताल्लुकात बनाता है, किसी के नजदीक कमाल सखावत है तो वो सखियों से, किसी के नजदीक कमाल शजाअत है तो वो बहादुरों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल मनसब और कुर्सी है तो वो साहिबाने मनसब से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल हुस्ने जाहिरी है तो वो हसीनों के दरवाजे पे नजर आता है। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमाल रख दिए। इल्म इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, इनसे ज्यादा उम्मत मुस्तफा में कोई आलिम नहीं है। ये तो मैंने उम्मत वालों से बात कर रहा हूं इसलिए कह दिया, वरना कोई हजरत नूह से पूछे कि अली क्या है, वरना कोई हजरत आदम से पूछे कि मौला अली का मकाम क्या है।